भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का बुधवार सुबह दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। उनके निधन से मंडी संसदीय क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। रामस्वरूप शर्मा मौजूदा समय में दिल्ली में गोमती अपार्टमेंट में रह रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि उनके अपार्टमेंट का गेट बंद था और पुलिस गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई। माना जा रहा है कि सांसद रोज सवेरे 6 बजे के करीब उठ जाते थे, पर बुधवार सुबह उनके जल्दी ना उठने पर उनके पीए ने सिक्योरिटी रूम में फोन किया, जिस पर सिक्योरिटी ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर गेट तोड़कर पुलिस उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुई, जहां उन्होंने सांसद का शव पाया। पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था, पर फिलहाल वह स्वस्थ माने जा रहे थे। रामस्वरूप शर्मा साधारण परिवार से संबंध रखने वाले जमीन से जुड़े नेता रहे। वे पार्टी के संगठन के प्रति वफादार थे और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। रामस्वरूप शर्मा कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और NHPC में खेल कोटे से उन्हें नौकरी मिली, जहां से 1985 में नौकरी छोड़कर वह पूरी तरह से संघ के प्रचारक बन गए। मंडी जिला भाजपा में विभिन्न पदों पर रहने के बाद रामस्वरूप शर्मा 2 बार प्रदेश संगठन महामंत्री रहे। वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी रहे। इसके अलावा रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष मनोनीत हुए। वर्ष 2014 में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और 39,000 मतों के करीब से वह विजय रहे। मंडी को छोटी काशी का नाम दिलाने का श्रेय भी रामस्वरूप शर्मा को जाता है। यहां तक कि ब्यास आरती शुरू करवाने में भी रामस्वरूप शर्मा का अहम योगदान रहा है। रामस्वरूप शर्मा प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी काशी का सांसद कहते थे और स्वयं को उनका मित्र बताकर सुदामा कहलाते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामस्वरूप शर्मा ने पंडित सुखराम के पोते और कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा को रिकॉर्ड 4,05,000 मतों से पराजित करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो मंडी संसदीय क्षेत्र का रिकॉर्ड है। वर्तमान में रामस्वरूप शर्मा भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल था। ये सूचना जैसे मिली तो एक बात पर हमको विश्वास ही ना, और उसके बाद फिर हमने दोबारा कंफर्म करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये घटना घटी हुई है। और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए, परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे संगठन के लिए, सरकार के लिए। रामस्वरूप जी एक सांसद के रूप में बहुत ही ऐसे सांसद के रूप में जो बहुत मिलनसार थे कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ सहज रूप से मिलना, और वही उनकी एक खासियत थी। मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे और दोनों बार बहुत बड़े बहुमत के साथ, और अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का, 4,05,000 वोट से जीतने का जो है, जबकि मंडी से बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, बड़े नेता चुनाव लड़े दोनों पार्टियों से, लेकिन सबसे बड़ा जीतने का अंतर रामस्वरूप जी का रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन उनकी जीत में, वो एक सहजता, सरलता, लोगों से मिलने जुलने का और संगठन के लोगों के साथ संवाद अच्छा रखना, वो उनके एक स्वभाव का हिस्सा था। इससे दुखद घटना से हम सब लोग विचलित हैं और ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है उनके इस निधन से। सर, कोई पता चल पाया है अभी तक कि कॉज ऑफ डेथ क्या है? अभी तक तो इस बात को लेकर के ज़्यादा कहना उचित नहीं है, जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, अभी इनकी बॉडी को वहाँ से, उनके निवास से रिमूव करके वहाँ लेके चले गए हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। परिवार के सदस्य पहुँचने के बाद ही सारी आगे की कार्रवाई होगी।
तो मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी शायद जयपुर गई थी, वो रास्ते में दिल्ली के लिए हैं और बेटे जो है जहाँ जोगिंदर नगर से दिल्ली जाने के लिए तैयारी में थे सुबह। तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद आदमी से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही हम पिछले दिनों से एक चीज़ को हमने देखा कि सेहत कमज़ोर हुई थी। हालांकि हमने उनको पूछा कि हमने कहा आपको तो कोविड में नहीं हुआ, कोविड हालांकि उनको नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उसके बाद वीकनेस थी। मुझे अभी कहने लगे, हम चार दिन पहले बैठक में मैं फतेहपुर थे कि बोलता मौसम अच्छा आ गया तो सर्दी के मौसम में थोड़ा मैंने आपकी बार परहेज भी रखा खाने वगैरह का और सब ठीक हो जाएगा, तभी ठीक हो जाएगी बोलते। तो ऐसा सारी बातें चर्चा हुई। मंडी के कॉरपोरेशन के लिए कहा कि मैं वहीं डेरा लगाऊंगा, वहीं बैठूंगा, वहीं काम करूंगा। दौड़ भाग ज़्यादा इन दिनों में नहीं कर पा रहा हूं लेकिन इतना है कि मैं मंडी बैठ कर के काम करूंगा। तो ये सारी बातें हुई, सहज रूप से हुई और ये समझ से परे की बात। सर अभी दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, अभी हम थोड़ा सा अभी प्लान कर रहे हैं, पहले तो हाउस का प्लान करेंगे, उसमें हमारे स्पीकर साहब और नेता विपक्ष से हम बातचीत करेंगे, जो भी नियमों के मुताबिक होती है सारी चीज़ें उसको करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके अगला निर्णय उसके बाद करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।